मेटल
इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ऊपर डेली के चार्ट पर आप देखें कितना बियरिश कैंडल बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, पर हम लोग इसको इंट्राडे के चार्ट यानी 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सिलेक्शन का रीजन कि ये बार बार मल्टीपल टाइम इस एरिया को रेजिस्टेंस कर रहा था और उसके बाद ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया और वापस से स्टॉक उसी बिहेवियर यानी कि हिस्ट्री को रिपीट करता हुआ यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो अगर ये अपनी हिस्ट्री को रिपीट करते हुए ऊपर की तरफ में बाउंस लगाता है, अपसाइड में भागता है, तो हमें 488 के ऊपर एक बाइंग देखने को मिलेगा, बाय 488 488 के ऊपर, और स्टॉप लॉस 485 का 485 का लगा के चल सकते हैं। जो टारगेट होगा वो 491 491 दूसरा 494 494 दूसरा 497 497 रुपये का। लेकिन अगर इन केस ये नीचे की साइड में आता है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, सेलिंग करेंगे 483 के नीचे, सेल बिलो 483, स्टॉप लॉस 486 486 का लेंगे और जो टारगेट लेके चलेंगे वो 480 480 दूसरा 477 477 और तीसरा 474 474 रुपये का। तो दोस्तों ये तीन स्टॉक्स हैं 20 सितंबर 2023 के लिए बुधवार के लिए। अगर पसंद आओ तो जरूर फीडबैक करें और याद रखें अपनी भी रिसर्च चांसेस जरूर कर लें। कोई भी प्रश्न बाइंग और सेलिंग सलाह यहाँ पर नहीं है। टेलीग्राम चैनल आपके टेलीग्राम मोबाइल पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत।